वी टॉक्ट अबाउट इन द लास्ट क्लास हमने जो है सिर्फ ये बात की थी थ्री डी के अंदर के ए, कोई भी अगर थ्री डायमेंशन के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं ठीक है और उसमें हमने जो एक दो काम की चीज़ें देखी थी विच वॉज एक्चुअली न्यू इन्फॉर्मेशन एक तो ये था कि बियरिंग सपोर्ट ठीक है

तो यू डोंट वॉन्ट टू इट टू फॉल थ्रू दंडर इन वेट ठीक है तो अगर ये वर्टिकल लगी हुई होगी तो आप चाहते हैं ये अपनी जगह पे रुकी रहे तो नॉर्मली इन दोस्ट ठीक है एक हमने इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि हमें ऑल दो हर सपोर्ट के ऊपर देर आर मोमेंट रिएक्शन बट जब भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल सपोर्ट होंगी तो वी डू नॉट कंसिडर मोमेंट रिएक्शन इन अवर केसेज ठीक है तो उसके हमने बहुत सारी प्रिपोर्ड डायग्राम्स एग्जाम्पल्स भी देखी थी जिसके अंदर हमने बोला था कि फॉर दिस केस केस में दो रिएक्शंस आ रहे हैं और हर रिएक्शन जो है वो नॉर्मल टू द है यानी शाफ्ट की जो डायरेक्शन बन रही है तो वाई और जेड के रिएक्शन दूसरे केस में अगर आपके पास शाफ्ट की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस बन रही है बी पे तो एक्स और जेड के रिएक्शन दिसरल बेरिंग के ऊपर सिर्फ दो रिएक्शन आते हैं

ठीक है 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 तो पहला जो बहुत ही आसान इसमें हो क्या रहा है एक दी है है ठीक और उसमें की एक के ऊपर एंड सॉकेट जॉइंट है बी के ऊपर जो है जर्नल बेयरिंग है देखिए बेरिंग जब भी होगा ना स्पेसिफाई कौन से का है तो बी के ऊपर ऊपरिंग सी के ऊपर इट्स रोलर सपोर्ट डी के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्टिंग डी के ऊपर किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है तो इट्स जस्ट फोर्स एक्टिंग हमें करना क्या है हमें सारे रिएक्शन हैं हमारा सिस्टम जब भी थ्री में बनता है तीन मोमेंट की तो वी आर एबल टू सॉल्व फॉर सिक्स डिफरेंट एनमो ठीक है <coughs> अब तो अगर हम इस चीज को लेके चलें आगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता होता है 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 सबसे पहला काम हमें 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 हमेशा ये करना करना कि के के अंदर बना के दिया हुआ क्या करना पड़ेगा हमें सारी फोर्सेज शो करनी पड़ेगी जिस भी किस्म की रिएक्शन फोर्सेज आ रही है we have to specify तो हमें डायग्राम के अंदर हमें पता है बॉल एंड सॉकेट हर किस्म की ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करता है तो सारी डायरेक्शंस में हमारे पास ट्रांसलेशन की फोर्सेस आएंगी तो हमारे पास ए के ऊपर वी गेट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड सही हमने तीनों को पॉजिटिव में कंसिडर कर लिए अगर कोई किसी पॉइंट पे आप नेगेटिव कंसिडर uh, कर लेते हैं ए एक्स को मैं उल्टा करके कंसिडर कर लेता हूँ डज रियली अफेक्ट एनी थिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा माइनस प्लस चेंज हो जाएगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बी के ऊपर हमारे पास इट्स अ जर्नल बेयरिंग जर्नल बेयरिंग शाफ्ट के अलोंग या पाइप के अलोंग

रिएक्शन इज कमिंग नॉर्मल टू द सर्फेस विच इज वर्टिकली ठीक हो गया छह रिएक्शंस है एक आपके पास अप्लाइड लोड है जो कि पहले से ड्रॉन था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि 900 न्यूटन की फोर्स है आगे काम जो है ना दे, देर इज गोइंग ऑन स्पेशली इन द फोर्स पार्ट फोर्सेस के अंदर तो आपने एक्जेक्टली वही काम करना है जो हम पहले टू डी में करते बाहर तो हमें समेशन एफेक्ट सीखना है और समेन एफेक्ट में हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी फोर्स है एक्स में हमारे पास ए एक्स है और बी एक्स है और समेनो है 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 के अंदर हमारे पास सिर्फ एक है, Ay. By default एक फोर्स ठीक रिएक्शन होता है बॉल इन सॉकेट का वाई डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन का हमने रिएक्शन बनाया था बट क्योंकि वाई में किसी किस्म की कोई किसी किस्म की और फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब दिस बॉल इन सॉकेट जॉइंट कैन अ रिएक्शन इन वाई बट इन दिस केस इस लोडिंग कंडीशन में जो y का रिएक्शन है वो जीरो निकल के आ रहा है इज जीरो ये आपने आपने पहले पहले से नहीं करना आपने पहले जो तीनों रिएक्शन एज्यूम किए थे जब आपने समेशन एफ वाई बनाया लोडिंग कंडीशन के साथ तो देन यू ऑटोमेटिकली गेट के ए वाई इस पर्टिकुलर केस में जीरो निकल के आ रहा है दैट्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कि मुझे पहले से सोचना पड़ेगा ये खुद से आ रहा है ठीक है

ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि 3D में और मुश्किल हो जाएगी तो हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा बट देर आर सर्टन एफ समेशन हमें जो है ना uh, समेशन एम लेना है तीनों एक्सेस के अबाउट एक्स वाइज ठीक है तो सबसे पहला काम हमें करना है करना है अब हम एक्स मोमेंट ले रहे हैं ठीक है एक्स एक्सिस हमारा कौन सा है एक्स एक्सिस हमारा ये है तो हमें हर फोर्स को देखना है कि वो फोर्स एक्स के अबाउट किस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस करेगी ठीक है मुझे पता है कुछ लोगों को टू में मुश्किल हो रही थी में से थोड़ी सी और मुश्किल होगी बट वी आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस ठीक है तो देखें एक्स के अबाउट एक्स के, के अबाउट अगर मैं नाइन हंड्रेड न्यूटन को देखता हूँ नाइन हंड्रेड न्यूटन एक्स के राइट साइड पे है और डाउनवर्ड है तो एक्स के अबाउट नाइन हंड्रेड न्यूटन की जो रोटेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी बेटा

ये मेरा वाई एक्सेस है ये मेरा जेड एक्सेस है सही नाइन हंड्रेड न्यूटन की फोर्स मेरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है इस एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पे के उपर, तो meters के ऊपर ऊपर तो मीटर्स आपके पास एक नाइन हंड्रेड न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है दिस थिंग इज योर एक्स एक्सिस मैं एक्स एक्सिस से विजुलाइज कर रहा हूँ यहां इस डायरेक्शन में देखने की कोशिश कर रहा हूँ सही है ना और कौन सी फोर्स है एक फोर्स आपकी बी जेड लगी हुई है एक फोर्स आपकी सीजेड लगी हुई है अब 900 की फोर्स की रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है बेटा 900 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में हो रही है ऐसे ही है ना बीजेड की रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है सीजेड की रोटेशन भी इस डायरेक्शन में हो रही है तो 900 की रोटेशन इज क्लॉकवाइज और बीजेड और सीजेड की रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज सही है ठीक है तो जब कभी भी कंफ्यूजन हो ना

Z z के के मैं सिर्फ आज एक एक ही सवाल पे फोकस करूंगा ताकि ये ये वाली चीज हो जाए X, uh, y and z. ठीक है एक force मैंने बना दी प्रोड्यूस नहीं कर सकती ठीक बट अगर मैं कोई और फोर्स ले लू फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक फोर्स बनाऊ फोर्स z के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस कर सकती है और यह रोटेशन क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी बिकॉज ये इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं ना एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा लोकेटेड फ्रॉम द ऑफ z z के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो दिस इज x एंड y दिस इज योर z एक्सिस ठीक है दिस इज योर एफ वाई एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है

कंफ्यूजन uh, तो आप इस तरीके से प्रोजेक्शन बना के अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते ठीक है बेटा एक और हिंट अब हर फोर्स का ना आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होगा तो इसकी बहुत आसान सी हिंट है इसकी हिंट यह अगर मैं जैसे एम जेड ले रहा हूं ना और मेरी फोर्स एफ एक्स है तो मेरा डिस्टेंस जो होगा वो वाई में होगा तीसरा क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना तो अगर मैं एम जेड ले रहा हूं और मेरी फोर्स एफ वाई है तो मेरा डिस्टेंस डी एक्स में दि होगा तो क्योंकि मेरा डिस्टेंस हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है तो अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ जेड के अबाउट <coughs> तो जाहिर है मुझे तो करना ही नहीं है मैं मैं या करूंगा या मैं करूंगा करूंगा <coughs> राइट तो अगर मैं एफ एक्स ले रहा हूँ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई में हो गया अगर मैं एफ वाई ले रहा हूँ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स में हो गया तो दिस इज अंट विच यू कैन क्विकली यूज टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंसिस और क्या हो सकता है एनी फोर्स पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस उसका भी कोई मोमेंट नहीं होगा तो फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स हो रही तो इसका मतलब है इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया दिस मीन्स दैट यू डू नॉट नीड टू कंसिडर दीज फोर्स मोमेंट बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो इनका मोमेंट भी जीरो है सही तो ये कुछ बातें हाँ देखो आप किसी भी फोर्स को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ जेड का तो हमने बोला था ना हम एक्स के अबाउट मोमेंट लेंगे जब B, Z का, तो पॉइंट तो तो B से X एक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस मच जो कि Y एक्सिस के अला है ठीक है ठीक है ना Z में फोर्स थी X में मोमेंट था तो डिस्टेंस वाई में आ गया जो तीसरा बचता है ना उसमें मोवमेंट ले लेते हैं अगर एक्स में मोवमेंट है जेड में फोर्स है तो वाई में डिस्टेंस अगर वाई में फोर्स होती तो जेड में डिस्टेंस आ जाता ठीक है अब ये तो आ गया पॉइंट तो मीटर से आपने बी जेड करके मोवमेंट निकाल ली ले। लेकिन अगर मैं सेम काम करना चाह रहा हूँ ए एक्स के लिए ठीक है ए एक्स तो खैर होगा नहीं बिकॉज एक्स इज अबाउट ए वाई के लिए ए वाई के अबाउट अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मोमेंट विल बी ए वाई मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस

और जो फोर्स भी एक्सिस के थ्रू पास होगी उसको भी कंसिडर नहीं करना तो अब हम अगर अपने वाले मोमेंट की मोमेंट एक्स एक्स की की इक्वेशन इक्वेशन देखें तो समेशन हमारे पास उसमें सिर्फ बी जेड आ रहा है ठीक है बी जेड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया जो हमने अभी बनाया था ये वाला डिस्टेंस दिस इज पॉइंट एट पॉइंट फोर प्लस पॉइंट फोर सही है ना बेटा तो uh,

along the y-axis और distance ये वाला distance है, this distance is 0.4. अब आपके पास rotation किस तरीके से produce हो रही है? Z is trying to rotate, BZ is trying to rotate anti-clockwise, CZ is trying to rotate anti-clockwise, और जो आपका 900 है, 900 is trying to rotate clockwise. ठीक है? अगर 3D में समझ में नहीं आ रहा, इसको draw करके देख लें. तो this is Y,

ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी यहाँ से एम एक्स की अब हम क्या कर सकते हैं हम एम वाई भी लिख सकते हैं एम वाई के केस में हमें देखना पड़ेगा ये कौन कौन सी फोर्सेज मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही आपके पास जब हम एम वाई कर रहे हैं हमारे पास एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी जेड सारी फोर्सेज जो हैं वो एक्स एक्सिस के थ्रू वाई एक्सिस के थ्रू पास हो रही हैं तो ये तीनों फोर्सेज भी वाई एक्सिस के थ्रू ये दिस इज द दाई एक्सिस ये तीनों फोर्सेज वाई एक्सिस के थ्रू पास हो रही है ओरिजिनल तो पास, पास हो रही है ना और बी जो पॉइंट है ये भी वाई एक्सिस पे लगा हुआ है तो बी एक्स और बी जेड भी वाई एक्सिस से पास हो रही है तो ये पांचों फोर्सेस जो है इनका कोई मोमेंट नहीं आएगा बेटा अभी कभी भी कोई फोर्स अगर एक्सिस से पास होगी देर विल बी नो मोमेंट तो हमारे पास कितनी फोर्सेस बच गई हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेज बच गई एक सी जेड बच गया और एक नाइन हंड्रेड बच गया सही अब सी जेड की रोटेशन अब हम इसको थ्री डी में एकदम विजुअलाइज करके देखते हैं ताकि आपकी विजुअलाइजन बिल्ड भी हो अगर मैं इसको इस साइड से देखने की कोशिश कर रहा हूं

सही है आपके पास फोर्सेस किधर है आपकी फोर्स माइनस एक्स में मूव कर रही है तो दिस इज द माइनस एक्स डायरेक्शन तो आपकी फोर्सेज यहां पर लगे तो सी जेड इज हेयर ठीक है और आपका जो 900 है दैट इज आल्सो एक्टिंग हेयर तो सी जेड के रोटेशन जो है आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज़ है और 900 हंड्रेड की रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज सही हो गया कोई मसला तो नहीं है ठीक है तो अब हम अगर लिख रहे होंगे तो में बस का काउंटर पॉजिटिव आ गया नाइन हंड्रेड का नेगेटिव कैसे निकालें दोनों में है मोमेंट वाई के अबाउट है डिस्टेंसिस एक्स में मेजर होंगे बेटा ठीक है तो तीसरे वाले एक्सेस पे मेजर होते हैं। तो सी जेड का एक्स एक्सिस कितना है पॉइंट सिक्स लिख दिया और नाइन हंड्रेड का डिस्टेंस कितना है 0.4 0.4 0.4 900 का जो डिस्टेंस है और इंटरेस्टिंगलीक्वेशन से एक था, CZ, तो हमने डायरेक्टली सी जेड निकाल लिया मिस ठीक है तो ये पता चल गया इन रियलिटी में इस पॉइंट पे समेन एम एक्स में वापस इसकी वैल्यू डाल बीजेड निकाल सकता हूँ बट मैंने इसमें ये नहीं किया, आप डायरेक्टली साथ-साथ करते रहे मैंने पहले सारी बीजेड तो आ गया सीजेड आपको बीजेड पता है इन दोनों को आप समेन एफ जेड में प्लग इन कीजिए जेड भी आ जाएगा सही तो इस तरीके से आपको बैक प्रोपेगेशन करके ना सारी चीजें निकालनी पड़े अब हम आ जाते हैं जेड एक्सिस के मोमेंट के अबाउट Z Z Z Z के के हमारे पास कौन-कौन सी forces काम कर आप इसको इसको छोड़ दें, इधर है। any force passing through the Z -axis, कोई कोई नहीं नहीं, होगा, तो ax, ay, az तीनों का सही? उसका भी कोई मोमेंट नहीं है तो 900 in the Z एक्सिस bz इज इन द Z एक्सिस 900 bz, cz का कोई मोमेंट नहीं होगा अबाउट

ठीक अब सिर्फ एक फोर्स का मोमेंट लगा रहे थे हमने एक फोर्स का मोमेंट लिख दिया अब एक फोर्स का मोमेंट इज जीरो इसका मतलब बी इज जीरो जीरो पता चल गया ठीक तो हम बाकी चीजों में प्लग इन करते हैं अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है बी एक्स जीरो है सी जेड हमने निकाल लिया फ्रॉम समिशन एम वाई विच कैन टर्न आउट टू बी सिक्स हंड्रेड अपनेक्वेशन का नंबर करते थे ताकि हम उनसे जो है ना निकाल सके तो हम चौथी में हम CZ डालेंगे हमारे पास बीजेड आ जाएगा हम उसके बाद तीसरे इक्वेशन में डाल देंगे BZ और CZ, हमारे पास एजेड आ जाएगा ठीक है ना और फिर जब हम दूसरी हम पहली इक्वेशन में डालेंगे बी एक्स को बी एक्स जीरो था इसका मतलब है, AX भी 0 इनका 0 है तो बी एक्स इज जीरो ये सवाल पूरा सॉल्व हो गया आपके पास छह अननोन थे हमने छह के छह अननोन निकाल लिए हमने ए वाई भी निकाल लिया हमने बी एक्स निकाल लिया हमने सी जेड निकाल लिया हमने बी जेड निकाल लिया ए एक्स निकाल लिया ए जेड निकाल लिया ठीक है ए वाई ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड और सी जेड छह अननोन थे छह के छह अननोन हमने सॉल्व कर लिया ये काम हमें करना है बेटा इसके अंदर अब इसमें देखिये ये वाले सवाल में और मैं अगला क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा इसमें इज इज जीरो डिफरेंस डिफरेंस द ओनली इस केस में जब आपकी इक्वेश फॉर्म हो जाती है ना तो रिजल्ट डायरेक्ट डायरेक्ट निकाले होते हैं कई दफा आपको स्टेप्स इसमें सॉल्यूशन के स्टेप्स शायद थोड़े से बढ़ जाएं यानी आपको थोड़ा देखना पड़े मैं कौन सी इक्वेशन में कौन सा रिजल्ट डाल तो मेरे पास आंसर है जहां तक बात है एफ और एम बनाने की दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो फॉर एक्साम्पल ये वाला केस है सेम काम करना है हमें रिएक्शन निकालना है आपके पास ए के ऊपर जर्नल है बी के, है, के है। हर जर्नल बेयरिंग पे दो दो रिएक्शन आएंगे ठीक है ए के ऊपर रिएक्शन जो आएगा क्योंकि तो अच्छा इसमें मैंने पहले ये किया है कि मैंने 450 को कहा के जी क्योंकि मेरी 450 न्यूटन एंगल के ऊपर थी

450 द एंगल 45 था 450 cos 45 बिकम्स fy 450 sin 45 बिकम्स fz ठीक है दोनों लिख दिए प्लस माइनस साइन नहीं लिखा वो मैं जब इक्वेशंस लिखूंगा तब मैं खुद से बना लूंगा ठीक है अब अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे पास समेशन इफेक्ट्स क्या आ रहा है हमारे पास समेशन इफेक्ट्स में कितनी फोर्सेस है बेटा समेशन fx में, में हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस हैं ax है और बी एक्स सिर्फ दो फोर्सेस आ रही हैं जब हम दो फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो हमारा हम एक्स बन जाएगा एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो एक मिनट रुकिएगा प्लीज वन मिनट दीजिए मुझे किसी आ, राइट तो आ, हमें जब Fx हमने लिख लिया तो उसके बाद हम समय कौन, कौन सी फोर्स है हमारे पास एफ वाई है, है और हमारे पास सी वाई है और कोई फोर्स नजर नहीं आ रही है हमें वाई में तो हम अगर समेशन एफ आई लिखेंगे तो हमारे पास सॉरी uh, ये तो हमने एफ एक्स इक्वेशन को एक्सटेंड कर दिया हमारे पास समेशन एफ आई में एफ वाई

तो अगली इक्वेशन क्या बन रही है अगली इक्वेशन बन FZ FZ क्या क्या रही है चार फोर्सेज आ रही क्या ठीक है तो ए जेड बी जेड सी जेड पॉजिटिव है एफ जेड नेगेटिव है तो हमें भाई इक्वेशन बन के आई ए जेड बी जेड प्लस सी जेडीन पॉइंट टू माइनस थ्री एटीन था यहाँ पे तो मैंने उसको दूसरी तरफ लेके प्लस थ्री एटीन पॉइंट टू लिख दिया तो हम तीसरी बन गई हमें समेशन एम लिखना है तो समेशन एम के लिए going to stop here and going to think about कि मेरे पास समेशन एम में क्या क्या फोर्सेस आएंगी। समेशन एम निकालने के लिए समेशन एम एक्स निकालने के लिए एनी फोर्सिज थ्रू द एक्स एक्स विल नॉट है कोई मोमेंट नहीं होगा एनी फोर्स इज डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू होगा बाकी जितनी फोर्सेस बची है सबका मोमेंट निकालना है BZ का भी मोमेंट निकालना है का का भी भी मोमेंट मोमेंट निकालना निकालना है, और निकालना है, और ठीक है तो काफी सारी देखो मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास जब हम X के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं ना तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कितनी फोर्सेस को एक्चुअली कंसीडर uh, करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर तो हमें uh,

similarly fy moment is about x force is in y distance needs to be in z axis to so, z axis ke along x axis or fy ka jo distance aa raha hai that is 0.4 ab iski visualization cha thodi mushkil ho rahi ho but remember humne baat ki thi ki hum force ko we can actually extend along the line of action तो so, line of action के along हम force को extend करेंगे ना, तो so, ये जो distance आ रहा है स इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ वाई एंड डी एक्स एक्स और ये डिस्टेंस कितना है ठीक है ना ओके गुड तो अब ये वाली चीज भी आ गई क्या बच गया अब हमारे पास बाकी फोर्स भी है हमें हर फोर्स का बेसिकली परपेंडिकुलर निकालना है एफ जेड है फोर जेड में है डिस्टेंस वाई में होगा तो यहां तक आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है ये रहा डिस्टेंस पॉइंट फोर प्लस पॉइंट एट ठीक है ना 0.4 0.8 1.2 तो fz का डिस्टेंस ही पता चल गया cy का डिस्टेंस कितना आएगा फोर्स y में है डिस्टेंस विल बी अलोंग द z एक्सेस सेम काम करें फोर्स को एक्सटेंड कर दे x एक्सेस से इस एक्सटेंशन का डिस्टेंस मेजर करें दिस डिस्टेंस इज गिवन हियर एज़ 0.6 हाइट गिवन इन ए 0.6 तो cy का डिस्टेंस आ गया cz का डिस्टेंस इज द सेम एज़

बी जेड फोर्स है सही है इस पॉइंट के ऊपर एफ वाई है एफ जेड है ठीक है और इसी के बिल्कुल पीछे बट मैं उसको थोड़ा अलग करके बना देता हूं ताकि मैं विजुलाइज कर सकूं सी वाई है और सी जेड है अब आप हर फोर्स को यू कैन एक्चुअली विजुलाइज कि उसका मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बीजेड जो है बी जेड का मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा bz का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा fz fz का मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा सर sz का fz का सर क्लॉकवाइज होगा ना नहीं ना ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्टेड है ना बेटा ये ये वाली फोर्स को अगर तुम रोटेट कराओगे बेटा तो ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी ना सर fz का एरो जो वो तो downwards की तरफ आ रहा है

तो इस तरीके से आप सारे मोमेंट निकाल सकते हैं एफ आई का मोमेंट भी क्लॉकवाइज ही होगा मैं ड्रा नहीं कर रहा पे स्पेस थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है ठीक है तो आ, आपके उस सारे मोमेंट के डायरेक्शन पता चल गई सारे मोमेंट्स के आपके मोवमेंट्सुलर डिस्टेंस पता चल गया तो वी कैन राइट अवर इक्वेशन समेशन so, एम एक्स निकाल देवे बी जेड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वॉस पॉइंट ए एफ वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वॉज पॉइंट फोर एफ जेड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वॉज पॉइंट एट प्लस पॉइंट फोर विच वॉज वन पॉइंट टू CY जो है हमारे पास एक हाइट के ऊपर है CY का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी मैंने ये बोला था नहीं है, है CY का उन्होंने ये वाला किया इस, इस प्लेन की इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन्होंने ड्रॉ किया पॉइंट फोर तो ये CY का जो आ रहा है ना yes, hmm. तो दिस इज पॉइंट फोर